ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉफी टू ऑल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सोढ़ी और स्वागत करता हूं आपके अपने शो पे जिसका नाम है सफरनामा विद सुनील सोढ़ी। दोस्तों, आज मैं ये सोच रहा था कि आपको इस वीडियो में इस बाइक के रिव्यूज और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा कि ये बाइक मुझे कितने की पड़ी और इसमें कौन कौन सी एक्सेसरी लगी। तो चलिए, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अभी हम चलते हैं अपने सफर पे। Oh,
दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की। ये बाइक मुझे ऑन रोड प्राइस 2,19,000 की पड़ी और इसमें एक्स्ट्रा 16,000 से 17,000 की एसेसरीज पड़ी जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि मैंने फायरवॉल वर्जन लिया है, इसमें कोई भी एसेसरी लग के नहीं आती। सबसे पहले मैंने लगाया इसमें विंडशील्ड, इसके बाद मैंने लगवाया इंजन गार्ड जो कि मिटियार की किसी भी वर्जन में नहीं आता, वो आपको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ता है। अगली एसेसरी आती है फुटपैक्स जो कि मैंने अपने मर्जी से चेंज करवाए हैं, इसके आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। Like a bird on a tree. अगली एसेसरी आती है बैक रेस्ट जो कि रॉयल इनफील्ड की खूबसूरत ब्रांडिंग के साथ आती है। ये एसेसरी भी आपको फायरवॉल वर्जन में एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती है। नेक्स्ट एसेसरी आती है सम्प गार्ड जो कि आपके इंजन को धूल मिट्टी और पत्थर से प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस की। इसको आज मैं 300 से 350 किलोमीटर चला चुका हूं। इसमें खास बात यह है ये बहुत ही कंफर्टेबल है और रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक हैं उनके मुकाबले इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है और इसकी माइलेज 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर है। अगर आप तो इस बाइक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें। और हाँ, अपने क्यूज़ के विनर का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ, उनका नाम है रमन जी जो जम्मू के ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल सोडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉफी टू ऑल। दोस्तों अभी हम आ पहुंचे हैं रमन जी के घर में, चलिए चलते हैं उनसे मिलते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं। रमन जी के घर में तो चलिए उनको उनका गिफ्ट हैंपर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू सोडी जी। मैं अपने सभी परिवार की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपका जो चैनल है सोडी ब्लॉग वो डे बाय डे ग्रोथ करे और सभी सब्सक्राइबर्स से कहना चाहता हूं कि इनके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।